Hello children, in this video we will do multiple choice questions and assertion and reasoning questions based on SQL. So let us start with the first question. Which type of values will not be considered by SQL while executing the following statement? जब SQL इस statement को execute करेगा तो वो कौन सी values को consider नहीं करेगा. Okay, तो हम statement देखते हैं. Select count, यहाँ पे count function का use हुआ है. Column name from inventory. Inventory क्या है? Table का name. Okay, तो count function क्या करता है? Count function counts the number of rows in a given column. काउंट फंक्शन जो इसके अंदर कॉलम पास किया गया है ओके उसकी नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है ओके लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है, जिस रोज के अंदर नल वैल्यूज होती हैं वो उस रो को काउंट नहीं करता ओके ये सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन. तो यहाँ पे नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन. ओके now next question, if column fees contain the data set. ओके यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है फीस जिसका डेटा है 5000 8000 7500 अगेन 5000 एंड 8000. ओके what will be the output after the execution of the given query. ओके जो नीचे क्वेरी दी गई है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा. फाइन, तो यहाँ पे हम क्वेरी देखेंगे सिलेक्ट सम, यहाँ पे सम किया गया है ओके डिस्टिंक्ट फीस. अब कौन से कीवर्ड का यूज किया गया? डिस्टिंक्ट. ओके तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डिस्टिंक्ट कीवर्ड इलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट. डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है? डुप्लीकेट रोज को इलिमिनेट कर देता है, डिलीट कर देता है. फाइन ओके तो यहाँ पे फी कॉलम के अंदर जिस रो के अंदर डुप्लीकेट डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा वाली रो को डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा? डिलीट कर देगा. ओके तो यहाँ पे किस किस का एडिशन होगा? 5000 8000 एंड 7500. ओके क्योंकि ये जो अगेन हमारे पास 5000 और 8000 आया है डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने यूज किया है तो ये इन दोनों को डिलीट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, इनको कंसीडर नहीं करेगा. तो यहाँ पे सिर्फ ये थ्री वैल्यूज का एडिशन होगा, सम होगा. तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 20,500. ओके okay question number 3, which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders. आपको orders table के records count करने हैं okay, total records count करने हैं तो आप कौन से statement का use करोगे. fine, यहाँ पे हमने किया select star from orders. तो select star from orders में क्या होगा? यहाँ पे table display हो जाएगी okay, it will not count it. fine, नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ओके तो काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है? काउंट स्टार फंक्शन काउंट्स ऑल रोज इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल्स. काउंट स्टार फंक्शन आपके टेबल की सारी रोज को काउंट करता है चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन करती हो चाहे उनके अंदर नल वैल्यूज हो. ओके तो अगर आप क्या चाहते हो टोटल नंबर ऑफ रोज आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ओके तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? काउंट स्टार. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है, वो करेक्ट है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स. ओके Now, which one of the following is not an aggregate function? इनमें से कौन सा aggregate function नहीं है? तो यहाँ पे हमारा first option जो round function है वो क्या है? वो mass function है. Okay, it is used to round off a number to a specified number of decimal places. Okay, तो यहाँ पे round function क्या है? आपका aggregate function नहीं है. राउंड फंक्शन का यूज होता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए. और जो आपके दिए हुए सम फंक्शन काउंट फंक्शन एंड एवरेज फंक्शंस ये क्या है? हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं. ओके तो क्वेश्चन क्या था? कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है? मैस फंक्शन है, वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है. ओके Okay, which one of the following functions is used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL में कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए? किसी भी कॉलम में या गिवन लिस्ट ऑफ डेटा में से आपको अगर लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. ओके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इन एसक्यूएल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम. एसक्यूएल में करेंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? Okay, so the option is now function. Now function is used to display the current date and time. Okay. क्वेश्चन नंबर 7, वट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी. इस क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा? सिलेक्ट मंथ. ओके, मंथ फंक्शन का यूज हुआ है और आपने उसमें क्या किया है? डेट को पास किया है. तो मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट फॉर अ गिवन डेट, राइट. तो इसमें से क्या ये आपको रिटर्न करेगा? मंथ रिटर्न करेगा, मंथ फंक्शन. ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट. मीन्स 5. ओके, देन क्योंकि यहाँ पे हम आपका ईयर है 2020, मंथ आपका है 5th मंथ एंड आपकी डेट क्या है? 11, राइट. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो 5 है. ओके, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी. ओके, सिलेक्ट राउंड. आपके पास राउंड फंक्शन दिया हुआ है. राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए होता है वैल्यू को राउंड 153.669 और आपको कितने डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है? 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है. ओके, तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट है, ऑप्शन है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी 153.67. ओके, तो यहाँ पे 7 क्यों आया? क्योंकि 6 के बाद क्या आया हुआ है? 9. तो एक 1 आपने डेसिमल वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दी है. फाइन, क्योंकि यहाँ पे 5 से बिगर नंबर है. ओके, तो यहाँ पे आपका आ गया 153.67. दिस इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, तो यहाँ पे अगर 9, यहाँ पे ये 7 क्यों हुआ है? क्योंकि 6 के बाद 9 दिया हुआ है. अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर दिया होता तो उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता, बट अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो उससे पहले वाले नंबर में क्या होता है? 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाता है. फाइन, तो आपका आंसर है 153.67. ओके, देन व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी. इस क्वेरी से क्या रिजल्ट आएगा? सिलेक्ट इन स्ट्रिंग इंडिया. ओके, और इंडिया आपने सब क्वेरी क्या दिया है? डीआई. तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग विद इन अ गिवन स्ट्रिंग. फाइन, ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको इस सबस्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, राइट. तो यहाँ पे देखो जो डी आया, डी आई, तो यहाँ पे हम जो लेटर डी है उसकी पोजीशन देखेंगे. उसकी पोजीशन है 3. फाइन, तो आपका रिजल्ट क्या है? 3. अंडरस्टूड. इन स्ट्रिंग के अंदर मीन्स ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है, राइट. इन स्ट्रिंग फंक्शन मेन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करता है. तो यहाँ पे डी आपका 3rd पोजीशन पे है, तो आपका रिजल्ट क्या है? 3. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन. इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? ट्रिम इज अ टेक्स्ट फंक्शन, लेफ्ट एंड मिड आर ऑल्सो टेक्स्ट फंक्शन. ओके, यहाँ पे जो हमारा ट्रंकेट फंक्शन है, ट्रंकेट फंक्शन का क्या यूज होता है? ट्रंकेट फंक्शन ट्रंकेट्स नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, राइट. तो यहाँ पे ट्रंकेट फंक्शन नंबर के लिए यूज होता है, नंबर्स के लिए यूज होता है. तो ये टेक्स्ट फंक्शन नहीं है. तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ट्रंकेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन. इनमें से कौन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो ट्रंकेट टेक्स्ट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये नंबर्स के लिए यूज किया जाता है. फाइन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी. सिलेक्ट क्वेरी में हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है? हैविंग क्लॉज क्या होता है? हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप्स इन, ठीक है. हैविंग क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाने के लिए आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हो. जैसे वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज एक इंडिविजुअल रो पे कंडीशन लगाता है. ओके, लेकिन हैविंग क्लॉज क्या करता है? ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाता है. ओके, और हैविंग क्लॉज किसके साथ यूज होता है? एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में हम नंबर ऑफ रोज को कंसीडर करते हैं, मतलब एक साथ कई सारी रोज को हम यूज करते हैं. फाइन, तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी. यहाँ पे हैविंग क्लॉज का मीनिंग इसके अंदर है या नहीं है. फाइन. ओके, टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स, फिल्ट्रेशन के लिए यूज नहीं होता. टू फिल्टर आउट द कॉलम ग्रुप्स, नो. यहाँ पे हैविंग क्लॉज का क्या यूज है? टू पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप ऑफ रोज, राइट. टू फिल्टर आउट द रोज एंड कॉलम वैल्यूज. तो ये तीनों ही ऑप्शंस नहीं है. आपका ऑप्शन है नन ऑफ द मेंशन्ड. फाइन, क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या करता है? इट प्लेसेस कंडीशंस ऑन ग्रुप्स. ओके, ऑन ग्रुप ऑफ रोज. फाइन, देन Okay, which of the following will you use in the following query to display the unique values of the column department name? ओके आपको क्या करना है, आप इसमें बताओगे कि आपको कॉलम डिपार्टमेंट नेम से यूनिक वैल्यूज चाहिए, राइट? यूनिक वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो। तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे? यहाँ पे हमारा आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो तो वो आपको रिपीटेड वैल्यूज शो नहीं करता, वो रिपीटेड वैल्यूज को इलिमिनेट कर देता है। फाइन, फिर से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम, राइट? डिपार्टमेंट नेम कॉलम में से आपको यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है। तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको इलिमिनेट कर देगा। फाइन, एंड यू विल गेट ओनली यूनिक वैल्यूज। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट इंसर्ट क्वेरीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी इंसर्ट क्वेरी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट इंसर्ट इनटू पर्संस। यहाँ पे क्या है, पर्सन्स टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू पर्सन्स और आपने वैल्यूज दे दिए, तो ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इंसर्ट इनटू पर्सन्स एंड यहाँ पे आता है वैल्यूज। फाइन, तो आपका फर्स्ट करेक्ट नहीं है। टेबल नेम के बाद आप यूज करोगे वर्ड वैल्यूज। सेकेंड है आपका इंसर्ट इनटू पर्सन्स, पर्सन्स के अंदर आपने कॉलम नेम दिए, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यूज, ओके, एंड वैल्यूज दिए, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, राइट? सेकेंड आपका क्या है, इंसर्ट इनटू पर्सन्स वैल्यूज, ओके, और आपने वैल्यूज दिए, तो सी भी करेक्ट है, राइट? आप कॉलम नेम देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो और आप कॉलम नेम नहीं देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो, लेकिन आप जब कॉलम नेम नहीं देते हो तो आपको ऑर्डर करेक्ट रखना है, राइट? मतलब वैल्यूज का ऑर्डर करेक्ट रखना है। अगर नंबर वैल्यू पहले आने तो पहले नंबर वैल्यू दोगे, देन आप स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड आने तो स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड दोगे, लाइक दिस। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल इनमें से कौन से क्या है, एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस हैं। फाइन, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है एवरेज, एवरेज पूरा यूज नहीं होता, एवीजी यूज होता है, राइट? आपका मैक्स भी करेक्ट है और आपका काउंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दो एग्रीगेट फंक्शंस हैं, मैक्स फंक्शन एंड काउंट फंक्शन। ओके, नाउ ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर नल्स एक्सेप्ट फॉर द फंक्शन। ऐसा कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है, राइट? क्योंकि एग्रीगेट के सारे फंक्शंस मैक्स, मिन, एवरेज, वो क्या करते हैं, नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। बट एक ही फंक्शन है जो एवरेज वैल्यू को, सॉरी, नल वैल्यू को भी काउंट करता है, वो है काउंट स्टार फंक्शन, जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है। फाइन, ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML इंक्लूड स्टेटमेंट डेट मॉडिफाई डैश ऑफ द टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का क्या यूज होता है? डेटा मैनिपुलेशन DML स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये किस लिए यूज होती है? ये होती है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। आप डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो, आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो टेबल के अंदर, आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, डेटा डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए DML कमांड्स का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, इंक्लूड स्टेटमेंट डेट मॉडिफाई द डेटा ऑफ द टेबल ऑफ द डेटाबेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डेटा, राइट? DML कमांड्स का क्या यूज होता है? टू मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेस। ओके, then what should be the data type for the column price storing value less than 1000। अभी क्या कह रहा है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे कि अगर आपको प्राइस को स्टोर करना है। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, नंबर डेटा है, ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैसे स्टोर करना है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 200.21। ओके, तो 5 डिजिट का नंबर होगा और 2 डेसिमल पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, राइट? समझ आ रहा है? एग्जाम्पल में क्या दिया कि डेटा ऐसे स्टोर करोगे। एक एग्जाम्पल दिया है 200.21, तो टोटल डेटा है जो 5 डिजिट का है और डेसिमल पॉइंट 2 डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर 52 है। फाइन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। Now, what is the maximum value that can be stored in the number 42? तो ये कह रहा है कि अगर आपका डेटा टाइप है न्यूमरिक और वहां पे लिमिट दी है 42, तो क्या है, पूरा जो टोटल नंबर है वो 4 डिजिट का होना चाहिए, इंक्लूडिंग 2 decimal point. फाइन, पूरा टोटल नंबर 4 digit का इंक्लूडिंग 2 decimal point. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. पूरा टोटल नंबर आपका क्या है, 4 digit का है इंक्लूडिंग 2 decimal point. ओके, अ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड बाय डैश that relates 2 tables where 1 table references other table की. यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है जहां पे एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम को रेफरेंस करता है, राइट. ओके, तो ये किसकी हेल्प से होता है, जब एक टेबल की फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, मतलब यू कैन से उससे डेटा लेती है. फॉरेन की के फॉरेन की टेबल के अंदर आप डेटा चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो डेटा चेंज नहीं होता है प्राइमरी की टेबल के अंदर. फाइन, समझ में आया. रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड, एक रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं 2 टेबल के बीच में. किसकी हेल्प से, फॉरेन की हेल्प से. डेट रिलेट्स 2 tables, जो दोनों टेबल को रिलेट करती है. वेयर 1 table रेफरेंसेस, जहां पे एक टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस करती है. फाइन, समझ में आया. अब देखो, जब हम क्या करते हैं, फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है, ठीक है, दूसरे टेबल के अंदर क्या होता है, सेम प्राइमरी की एज अ फॉरेन की हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. फाइन, मतलब एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसका डेटा हम दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज करते हैं. अब अगर प्राइमरी की तो क्या होता है, ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होती है. जैसे हमने क्या किया, एक टेबल बनाई स्टूडेंट रिकॉर्ड की, जिसके अंदर हमने लिया रोल नंबर, ओके, स्टूडेंट नेम एंड क्लास. दूसरी एक हमने टेबल बनाई जिसके अंदर अगेन हमने लिया रोल नंबर, ओके, स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर एंड स्टूडेंट्स डिटेल. फाइन, तो देखो यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है, यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है. एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है, दूसरे टेबल के अंदर वो फॉरेन की है. ओके, तो ये क्या है, ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है. फाइन, ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर आप रोल नंबर 1 का डेटा देखोगे तो उसका रोल नंबर नेम है अमित, ओके, और क्लास है उसकी 12, और यहाँ पे आप उसका एडमिशन नंबर देख सकते हो सेम रोल नंबर से, और उसका उसकी डिटेल्स देख सकते हो, राइट. तो यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की. Fine. Now we have next question. An attribute in a relation is termed as foreign key when it references the primary key of another table. ठीक है, तो यही सेम चीज आ गई है कि एक attribute in a relation, एक कॉलम, attribute क्या होता है, कॉलम या फील्ड. एक फील्ड क्या है, टेबल. रिलेशन क्या होता है, टेबल. ठीक है, फिर से देखो, an attribute, attribute means column या field in a relation, in a table is termed as foreign key. एक column को foreign key कहा जाता है when it reference, जब वो क्या करता है, reference करता है primary key of another table, right? समझ आया. Then which of the following are the DDL statement? इनमें से कौन सी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं? तो DDL कौन सी होती है, which are used to define the structure of the database like create, alter, drop, rename. ठीक है, तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सी DDL कमांड्स हैं. फाइन, तो आप देखो यहाँ पे create, drop, alter, ये तीनों DDL कमांड है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है D, all of these. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22. कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी. आपको ये क्वेरी देखनी है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी डैश नेम डैश, राइट. हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा को क्या कर रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो. ओके, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. ऑर्डर बाय सैलरी, जहाँ पे सैलरी कॉलम से आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, नेम से अरेंज कर रहे हो. ठीक है, टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. अब यहाँ पे आप सैलरी दिखाना चाहते हो ग्रेटर टू स्मॉलर, राइट. मीन्स आप क्या करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो. और नेम एंड नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप असेंडिंग में दिखाना चाहते हो. ओके, ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज. अब आपको क्या करना है, सैलरी को दिखाना है आपको डिसेंडिंग में, और आपको नेम को दिखाना है असेंडिंग में. तो आप कौन से कीवर्ड यूज करोगे, यहाँ पे आप ऑप्शन सी करेक्ट है आपका. आप सैलरी के साथ कीवर्ड यूज करोगे DESC फॉर डिसेंडिंग, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेटर टू स्मॉलर दिखाना है. और नेम के साथ आप यूज करोगे ASC, क्योंकि यहाँ आपको असेंडिंग में दिखाना है, मीन्स स्मॉल टू ग्रेट, स्मॉल टू लार्ज. फाइन, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A to Z. फाइन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन ऑर्डर. अगर ऑर्डर ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपके रिजल्ट को किस फॉर्म में अरेंज करता है, ये आपके रिजल्ट को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हो, ठीक है, DESC या ASC आप कोई भी कीवर्ड नहीं दे रहे हो, तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, आपके रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। फाइन, ओके। विच क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द क्वेरी रिजल्ट, कौन से क्लॉज का यूज किया जाता है क्वेरी रिजल्ट को शॉर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज अलाउज शॉर्टिंग ऑफ द क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके आप अपनी क्वेरी को शॉर्ट कर सकते हो, मतलब जो भी आप चाहते हो आपके टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में शॉर्ट होकर आए, तो आप उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो। ओके लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट होता है ओनली वही शॉर्ट होके आता है, जो टेबल ओरिजिनल टेबल होती है वो एज इट इज रहती है। फाइन, तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑर्डर बाय, राइट। ओके, विच ऑपरेटर टेक्स अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा दैट इज नल वैल्यू। आपको अगर फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू है कि नहीं, तो आप कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो, तो यह वहां पे हम इज ऑपरेटर का, इज नल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेटर। फाइन, राइट। क्या पूछा गया, विच ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा, आपको फाइंड आउट करना है कि किसी कॉलम में नल डेटा है या नहीं, तो आप इज नल ऑपरेटर का यूज करोगे। फाइन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा, कौन से एसक्यूएल कमांड का यूज किया जाता है डेटा को रिट्राइव करने के लिए, तो इट इज वेरी क्लियर सिलेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल, तो आपको अगर पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए तो आप कॉलम नेम देते हो, आपको कंप्लीट टेबल चाहिए तो आप सिलेक्ट स्टार देते हो, राइट। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टेबल। फाइन, ओके। व्हाट डज DML स्टैंड फॉर, DML की फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। दीज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस, राइट। ओके ओके। द डैश क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन। ओके तो कौन से क्लॉज का यूज किया जाता है जब आपको एक पर्टिकुलर रो के अंदर क्या करनी है, कंडीशन को पुट करना है। फाइन, तो यहाँ पे अगर आपको नंबर मतलब एक सेट ऑफ रोज पे करना होता तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते, जब आपको इंडिविजुअल रो पे कंडीशन को सेट करना होता है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो, राइट। द वेयर क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन, राइट। एक पर्टिकुलर रो पर अगर आप कंडीशन लगाओगे तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे, अगर आप सेट ऑफ रोज पर कंडीशन लगाओगे तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे। फाइन, Now, which of the following function is used to find the smallest value from the given data in MySQL? अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप MySQL के कौन से फंक्शन का यूज करोगे, इसके लिए हम यूज करेंगे min फंक्शन का, राइट, विच इज यूज टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा। ओके तो यहाँ पे आप मिनिमम फंक्शन का यूज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, आप इस स्टेटमेंट को कंसीडर करोगे कि कौन सी स्टेटमेंट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट आपकी कौन सी स्टेटमेंट है, सिलेक्ट आपकी यहाँ पे आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे हो, डेटा सिलेक्टेड है, तो ये आपकी DML स्टेटमेंट है। ओके क्योंकि आपकी ये जो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कौन सी स्टेटमेंट है, सारी ये आपकी DML स्टेटमेंट है। फाइन, ओके। नाउ द हैविंग क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग, हैविंग क्लॉज क्या करता है, एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, नो, वेयर क्लॉज की तरह वो वर्क नहीं करता क्योंकि वो सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होता है, सेट ऑफ रोज के ऊपर। ओके देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एक्ट्स लाइक अ वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, ये भी रॉन्ग है। आपका नेक्स्ट क्या है, एक्ट्स लाइक वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर्म ग्रुप रेदर देन रोज। ओके तो यहाँ पे क्या है आपका जो सी ऑप्शन है, फाइन, जो ओके, उसमें क्या कहा जा रहा है कि वो वेयर क्लॉज की तरह कंडीशन तो सेट करता है ओके, लेकिन वो ग्रुप बना के ग्रुप के ऊपर कंडीशन सेट करता है, इंडिविजुअल रो पे नहीं करता है। फाइन, तो आपका ये ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। फाइन, राइट। Now, which clause is used with aggregate function? Aggregate function के साथ कौन सा clause use किया जाता है? तो we know that कि group by clause aggregate function के लिए use किया जाता है। तो group by clause का function क्या होता है, इसका use क्या है? Group by clause combines all those records that have identical values in a particular field. Group by clause क्या करता है, उन सारे records को क्या कर देता है, combine कर देता है जो क्या है, same है ओके एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सेम है, उनका क्या क्रिएट कर देता है, उनका ग्रुप बना देता है। ओके, दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड। तो क्या होता है, ग्रुपिंग बनने के बाद उसका एक समरी रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। फाइन, समझ आया। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स को की ग्रुपिंग कर देता है, उनको एक ग्रुप में डाल देता है। फाइन, और ग्रुप बाय क्लॉज हम किसके साथ यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज से पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद जो आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के बाद उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। फाइन, ओके। नाउ इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा, सैलरी कॉलम के अंदर डेटा है आपका 15,000, 25,000, 10,000, अगेन 15,000, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? तो क्या आउटपुट आएगा? फाइन, सिलेक्ट सम डिस्टिंक्ट सैलरी। अब यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट सैलरी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डुप्लीकेट वैल्यूज आई हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। फाइन, फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके तो आपका एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे 15,000 का, देन 25,000 का, देन 10,000 का। जो अगेन आपका 15,000 आया है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फाइन, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 50,000 टोटल। ओके इसको मिला के, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट सैलरी बोला है, तो जो डुप्लीकेट वैल्यू आई है डिस्टिंक्ट कीवर्ड उसको एलिमिनेट कर देगा। फाइन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। Okay, now SQL applies condition on the groups through dash clause after groups have been formed. तो ये क्या कह रहा है कि SQL ग्रुप्स बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करके उन ग्रुप्स पर क्या करता है, कंडीशंस को अप्लाई करता है। देखो, SQL applies condition on the groups through, ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है किस क्लॉज की हेल्प से? तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज यूज होता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ और ग्रुप्स के साथ हैविंग क्लॉज यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है हैविंग। एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशंस ऑन द ग्रुप थ्रू हैविंग क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। ओके, और अगर इंडिविजुअल रोज पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे। फाइन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन एन एरर? इनमें से कौन सी क्वेरी क्या कंटेन कर रही है, एन एरर कंटेन कर रही है? हम देखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स दिस, दिस इज करेक्ट। सिलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स दिस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे आपने क्या दिया है, आपने कंडीशंस भी दी है। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द एम्प्लॉय, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेबल नेम नहीं आया फ्रॉम ईएमपी। ओके, स्टेटमेंट करेक्ट तब होती है जब यहाँ पे सिलेक्ट ईएमपी एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आपकी स्टेटमेंट D. Fine. Now, which SQL function is used to count the number of rows in a SQL query? Fine. तो SQL का कौन सा फंक्शन है जो काउंट करता है नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, राइट। अगर आपको क्या करना है कि डुप्लीकेट रोज को काउंट नहीं कराना है, नल रोज को नहीं काउंट कराना है, तो यहाँ पे आप काउंट फंक्शन का यूज को करेक्ट कर सकते हो। और आपको सारी के सारी डुप्लीकेट नल जितनी भी रोज है सबको काउंट कराना है तो आप काउंट स्टार का यूज कर सकते हो, राइट तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं काउंट स्टार। वैसे तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो ज्यादा वैलिड आंसर है वो काउंट स्टार है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा, आइदर दे आर कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज। फाइन, तो यहाँ पे हमारा आंसर है काउंट स्टार। ओके, Which of the following group function ignore null values? इनमें से कौन सा ग्रुप फंक्शन null values को इग्नोर करता है? तो आपका max function, count function and sum function, तीनों फंक्शन null values को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा all of the above, राइट, ओनली काउंट स्टार फंक्शन है जो नल वैल्यू को काउंट करता है, अदरवाइज ऑल द एग्रीगेट फंक्शन, जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते, इग्नोर करते हैं. फाइन, ओके. नाउ What will be the order of the data being sorted after the execution of given query? जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो डेटा किस ऑर्डर में शॉर्ट होगा? तो आपने दिया select star from student order by roll number. आपने दिया है ऑर्डर बाय रोल नंबर, तो यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में शॉर्ट करता है? क्वेरी को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, मतलब छोटे से बड़े, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक. फाइन, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असेंडिंग ऑर्डर. ओके, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट किस टाइप की स्टेटमेंट है. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हम क्या करें? टेबल को क्रिएट कर रहे हैं. ओके, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है, जहाँ पे डेटा डेफिनेशन मीन्स जहाँ पे डेटाबेस को डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, जो कमांड्स टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है. ओके, तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, ये कौन सी कमांड्स होती है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती है. फाइन. Now, what is the full form of SQL? SQL की full form क्या है? SQL की full form है आपकी Structured Query Language. तो आपका जो first option है वो correct है, Structured Query Language. Fine. Which of the following SQL command retrieves data from the tables? कौन सी SQL command का use किया जाता है table से data को retrieve करने के लिए? तो हम कौन सी command का use करते हैं? हम select command का use करते हैं. Select star from the table. Okay. Select column names from the table. तो यहाँ पे आपका जो option correct है वो है option B. Now, which operator checks a value between a range of values? कौन से ऑपरेटर का यूज किया जाता है वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज देने के लिए? तो यहाँ पे हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं. वो क्या करता है? इट गिव्स द रेंज विच इंक्लूड बोथ द लोअर एंड अपर वैल्यू. ये रेंज को डिफाइन करता है जहां पे लोअर और अपर वैल्यू दोनों को कंसीडर किया जाता है. फाइन, ओके. Now, which of the following is the DDL command? कौन सी DDL command है? यहाँ पे select आपकी क्या है? DML है command, insert DML है, update आपकी DML है. तो यहाँ पे आपकी जो alter command है वो क्या है? Data definition language command है, DDL command है. Fine, this is your DDL command. Okay, now consider the table with the structure as. आपने एक टेबल क्रिएट किया, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. स्टूडेंट टेबल है, उसमें कॉलम्स नेम है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल क्रेडिट. राइट, इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की? अगर आपको इसमें से प्राइमरी की बनानी है तो आप कौन से एट्रीब्यूट को, मतलब कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे? तो यहाँ पे नेम सेम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट लोगों का सेम हो सकता है, क्रेडिट्स भी सेम हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम किस टेबल को प्रेफर करेंगे जो प्राइमरी की बने? हम आईडी को प्रेफर करेंगे, बिकॉज आईडी क्या होगा? सबका यूनिक होगा. और हम कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं? जो क्या होता है? यूनिक कॉलम होता है. फाइन. नाउ वी हैव assertion एंड रीजनिंग क्वेश्चंस. यहाँ पे assertion क्या है? स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट लगती है और उसके लिए आप एक पर्टिकुलर रीजन देते हैं. फाइन, ओके. नाउ द assertion इज ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड्स. ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है रिकॉर्ड को शॉर्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए. फाइन, आपने रीजन क्या दिया है? फॉर शॉर्टिंग कीवर्ड ASC एंड DESC आर यूज. शॉर्टिंग के लिए आप ASC एंड DESC कीवर्ड्स का, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कीवर्ड्स का यूज करते हो. फाइन, तो यहाँ पे हमारा assertion एंड रीजन दोनों करेक्ट है. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. रीजन क्या है? आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. ओके, ओके. आपका assertion क्या है? काउंट फंक्शन इग्नोर्स डिस्टिंक्ट. काउंट फंक्शन डिस्टिंक्ट वैल्यू को, यूनिक वैल्यू को इग्नोर करता है. फाइन, ये क्या है? ये assertion आपका क्या है? रॉन्ग है. क्योंकि काउंट फंक्शन यूनिक वैल्यू को लेता है, यूनिक वैल्यू को काउंट करता है, बट यहाँ पे क्या है, इग्नोर्स डिस्टिंक्ट किया हुआ है, तो ये आपका एसेशन क्या है, फॉल्स है। देन डिस्टिंक्ट इग्नोर्स डुप्लीकेट वैल्यू, आपका रीजन क्या दिया हुआ है, डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है। ओके, तो दिस इज करेक्ट, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट करने के लिए। फाइन, तो एसेशन तो आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, ऑप्शन डी, दैट ए इज false but R is true, means assertion is false but reason is true. Okay, now assertion is the unique keyword ensures no duplicate values in the table. Unique keyword जब आप table creation में use करते हो तो वो क्या ensure करता है कि उस particular column में कोई भी duplicate value आप insert नहीं कर सकते। Fine, तो यहाँ पे हमारा assertion true है। Then reason we have distinct is similar to unique। जो distinct keyword हम use करते हैं वो क्या है, यूनिक का सिमिलर है, ठीक है। यूनिक कीवर्ड हम यूज करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पर, राइट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टेबल। फाइन, कि आप अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज कीवर्ड यूज करोगे तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करेगा, तो इन दोनों का फंक्शन सेम है। फाइन, तो ये आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप इसके लिए ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फाइन, क्योंकि यूनिक कीवर्ड का यूज क्या इंश्योर करता है कि आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते, और डिस्टिंक्ट क्या इंश्योर करता है कि जब वो रिजल्ट शो करेगा तो आपको विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज शो करेगा, तो ऑलमोस्ट इन दोनों का फंक्शन सेम है। फाइन, तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। ओके okay, now we have the assertion the having clause is used with the aggregate function। having clause का use किया जाता है aggregate function के साथ to put condition on the set of values। fine, ये assertion हमारा true है। where clause places condition on individual rows। where clause का क्या use है, वो individual rows पर conditions को place करते हैं या उन conditions को लगाते हैं। fine, तो दोनों क्या है, correct है, लेकिन जो reason है वो assertion का correct reason नहीं है, तो आप कौन सा option choose करोगे, आप option B use करोगे। Both A and R, assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Okay. Okay. Now the assertion is the primary key constraint is given with the column। जब हम टेबल को create करते हैं तो हम column के साथ primary key constraint देते हैं। Okay, हम particular column को primary key बनाते हैं, तो हमारा assertion यहाँ पे क्या है, true है। Now reason not null values are not allowed to be entered using the not null constraint। जब आप not null constraint लगाते हो किसी भी कॉलम पे तो वो कॉलम क्या करता है, null values को enter नहीं करने देता। फाइन, रीजन भी करेक्ट है। अब यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन assertion को जस्टिफाई नहीं करता है, वो उसका रीजन नहीं है। फाइन, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, आप ऑप्शन बी यूज करोगे, both assertion and reason are true but R reason is not the correct explanation of A। फाइन, क्योंकि दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन assertion को जस्टिफाई नहीं करता है। ओके, नाउ वी हैव द assertion मैक्स एंड मिन आर एग्रीगेट फंक्शन। मैक्स एंड मिन क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। यस, दे आर एग्रीगेट फंक्शन। देन रीजन इज दीज कैन वर्क ऑन मल्टीपल रोज। मैक्स और मिन दोनों जो फंक्शंस है वो उनको हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, हम मल्टीपल रोज पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमारा assertion भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर, assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। फाइन, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।